IAS बनना था, बट क्या है कि ये टीचर ही बनना चाहते हैं साथ साथ में। जो संघर्ष करते हुए अगर ये बच्ची इस मुकाम पर पहुंची है तो हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात। मेरा नाम शालिनी पटेल है, मेरे पिताजी का नाम श्री कल्लू राम पटेल है, मेरी माताजी का नाम श्रीमती अनिता देवी है और मेरा घर जो है वृंदावन स्वामी वाराणसी में है। इसमें पूरा मेरा परिवार जो है बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है, हमें भी बहुत खुशी है। जो सपना था वो साकार होने जा रहा है। IAS बनना था, बट क्या है कि ये टीचर ही बनना चाहते हैं साथ साथ में। थोड़ा आर्थिक स्थिति थोड़ा ख़राब था मतलब, बट क्या था पापा का अपने परिवार का सहयोग मिला जिससे आज ये यहाँ पर हम पहुँच पाए हैं। नहीं और कोई तो बाधा नहीं आई थी, सिर बिछड़ी करते करते हम यहाँ तक पहुँचे। कोई कोचिंग वगैरह का सहायता नहीं लिया है, कुछ मोबाइल से कुछ बुक से घर पे ही सिर बिछड़ किया है हमने। हम उनके लिए यही देना चाहेंगे कि देखिए आप किसी को कम मत समझिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, कोई भी स्थिति आए, लेकिन उन लोगों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, पढ़ाने से क्या होता है, समाज हमारा शिक्षित होता है, फैमिली शिक्षित होती है, इससे उनको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। ये कहना चाहते हम तो यही कहेंगे कि हम तो मजदूरी मेहनत करके इसको पढ़ा रहे हैं, ये और आगे बढ़े मेरी यही ख्वाहिश है। आप माँ हैं, माँ सबसे ज़्यादा संघर्ष करती है, तो आज बिटिया जिस स्थान पे पहुँची है, आज बिटिया को जिस तरह से सम्मान मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मानती हैं कि आपको भी एक तरीके से सम्मान मिलेगा ही। जी कुछ तो बोलिए तो बस। अच्छा, जिस तरह से बिटिया को आपने पढ़ाया है, क्या लगता है कि आपको मतलब बिटिया मतलब यहाँ तक पहुँच पाने में कठिन था समय ये? ठीक है, मजा आया। बहुत खुशी और गर्व की बात है कि हमारे सुषमाई वार्ड में हमारे जो कि धर्मेंद्र पटेल, हमारे जो IT सेल के प्रभारी हैं कर्दमेश्वर मंडल के, उनकी बहन जो है कि टॉप की है पूरे BED में, उत्तर प्रदेश में उनका प्रथम रैंक आया है, हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। क्योंकि हमारे जो ग्राम सभा या हमारे वार्ड में जो नवसृजित वार्ड है वहाँ पर, और पूरे बनारस में नहीं पूरे UP में टॉप की है, तो मैं हम लोग तो बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ इनके माता पिता को और इस बच्ची को, उनके भाई को, कि इस परिवार से, इस छोटे से, इस गरीब परिवार से उठ के हमारे चाचा जी, जो कल्लू चाचा जी अभी आपने बात किया, इस जो संघर्ष करते हुए अगर ये बच्ची इस मुकाम पर पहुँची है तो हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। नहीं अभी तो जैसे अब ये है, मतलब हम तो चाहेंगे कि इस परिवार को और इस बच्ची को हमारे जो कि सरकार की तरफ से, चूँकि सरकार है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री के जो कि नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि बच्ची को सम्मान मिले और इस परिवार को भी सहायता मिले, ताकि इसकी जो भी लक्ष्य है, जो सपना है आगे पढ़ने का, उसमें कहीं रुकावट न, और दिन दून रात चौगुनी तरक्की करती जाए। हम लोग ही बाबा विश्वनाथ से ही और माता अन्नपूर्णा से ही प्रार्थना करते हैं।